रविवार को भोपाल में लोकायुक्त कार्यालय परिसर में लगी आग को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने साजिश की आशंका जताई है। भोपाल में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अपने आवास पर मीडिया से चर्चा में कहा कि लोकायुक्त कार्यालय में सिंहस्थ घोटाले की जांच की एक फाइल है जिसमें सैकड़ों एकड़ जमीन की हेराफेरी हुई है और कई नेताओं के करीबियों और कंपनियों के नाम भी इसमें मौजूद है। लोकायुक्त कार्यालय में लगी आग में कहीं सिंहस्थ की उस फाइल को जलाने की कोशिश तो नहीं की गई। देखिए खास रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आग लगने के मामले की ज्यूडिशियल जांच कराने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में आग का दौर चल रहा है। पहले सतपुड़ा भवन, वल्लभ भवन में आग लगी और अब लोकायुक्त कार्यालय में आग लगना भी महत्वपूर्ण है। बताने को बहाने बहुत हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया, ट्रांसफार्मर जल गया, लेकिन लोकायुक्त की जिस प्रकार से नियुक्ति हुई, शनिवार को आदेश हुआ और रविवार को शपथ दिलाई गई, आनन फानन में तत्काल नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि इस बार मैं सुप्रीम कोर्ट भी गया हूँ, कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ निर्णय न दे दे। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पिछले इतने सालों में 20-22 सालों के अंदर जिस प्रकार से घोटाले हो रहे, चाहे जल जीवन का अभी घोटाला चल रहा 20,000 करोड़ का, व्यापम घोटाला हुआ, पटवारी घोटाला हुआ, इन सरकार खुद दबाना चाहती है। सरकार चाहती ही नहीं कि आम जनता, आम प्रदेश के युवाओं को न्याय मिले, उनको नौकरी मिले। ये चाहते हैं कि हमारे लोग जो इनको पैसे दे रहे हैं, चाहे इनके संगठन के लोग हो जिनको पढ़ना नहीं आता, उन्हें ऐसे लोगों को पटवारी बनाया जा रहा है, तो वो क्या जमीन नापेंगे? नर्सिंग के अंदर ऐसे लोगों को फर्जी डिग्री दी जा रही है जिनको इंजेक्शन लगाना नहीं आते, उन तो अगर ऐसे कॉलेज चलेंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था क्या होगी प्रदेश की? ये तो आपको, हमको, सबको मिलके ये जनहित में इस बात पे पूछना पड़ेगा, मंच पे लड़ाई लड़ना। मैं वही कह रहा हूँ कि ये भ्रष्टाचार चल रहा है कि किस प्रकार से रॉयल्टी कागज पे है लेकिन अभी जो वसूली की जा रही किसके जेब में जा रही है, ये एक जाँच का विषय है। क्या इस पे सरकार के अधिकारी, चाहे लोकायुक्त का, इस पे जाँच कराएंगे? निष्पक्ष जाँच होगी? मैं तो चाहता हूँ कि इस पे एक जुडिशरी कमेटी बन के जाँच होना चाहिए जिस प्रकार के घोटाले, लेकिन सरकार हमेशा जितने भी घोटाले उनकी SIT बना देती है और वो उनकी फाइलें जब जाँच पे निष्पक्ष पे आती है, निर्णय पे, तो वो धूल खाती है। तो लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बार विधानसभा में इन सब मुद्दों को उठाएगी, तो मैं कह सकता हूँ। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार लोकायुक्त कार्यालय में सिंहस्थ की भी एक फाइल थी। सिंहस्थ में सैकड़ों एकड़ जमीन में हेराफेरी की गई, उनमें उन कंपनियों के नाम भी थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन फाइलों को जलाने के लिए ये आग लगाई गई? ऐसे जो अधिकारी थे, जो इस घबराहट में थे कि अगर इसमें जांच होगी तो हम लोग भी इसकी गिरफ्त में आएंगे। मैं समझता हूँ कि यह गंभीर विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से SIT गठित करते हैं और उसकी लिपापोती करते हैं, कभी सतपुड़ा में आग लगती है, कभी वल्लभ भवन में आग लगती है, और अब कल आग लगी लोकायुक्त कार्यालय में। कई ऐसी फाइलें महत्वपूर्ण हैं जो आम जनता से जुड़ी थी, चाहे पेंशन की फाइलें हो, चाहे स्वच्छ अनुदान की फाइलें हो पूर्व मुख्यमंत्री के समय की, चाहे लोकायुक्त में वो फाइलें थी जो मुख्यमंत्री, उनका परिवार जांच के घेरे में आ रहा था, वहां के पदस्थ अधिकारी घेरे में आ रहे थे। तो क्या ये ऐसा तो नहीं कि ये आग के पीछे और कोई कारण है? तो निश्चित तौर से अगर ये सरकार बताए, अगर फाइलें सुरक्षित है सिंहस्थ की, तो सरकार बताए कि फाइलें सुरक्षित है, जली नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोकायुक्त में आग एक षड्यंत्र है आग का, इस पे सरकार को निष्पक्ष जांच कराना चाहिए। जिस प्रकार से शनिवार को नियुक्ति कराई गई बगैर नेता प्रतिपक्ष के सहमति के, और रविवार को तत्काल लोकायुक्त के पद नियुक्त कर दिया गया, शपथ दे दी गई, शनिवार को ऑर्डर हुआ और रविवार को आपको उनको शपथ दिलाई गई, तो जल्दबाजी में जिस प्रकार से सरकार निर्णय कर रही है, तो एक साजिश का हिस्सा है। निश्चित तौर से इस पर जांच होना चाहिए। माननीय लोकायुक्त भी इस पर संज्ञान ले रहा है, लोकायुक्त को लेकर आने वाले समय में आपको वो भी स्पष्ट होगा। उमंग सिंघार ने कहा कि अब तक की जो भी जांचें हुई है, मुझे लगता नहीं कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी।
लेकिन मैं कांग्रेस विधायक दल की ओर से कहना चाहता हूं कि इसको विधानसभा में उठाया जाएगा और प्रदेश में कई घोटाले हो चुके हैं, उनकी लंबी लिस्ट है। इन घोटालों को लेकर अभी तक सही स्पष्ट जांच पटल पर जनता के सामने क्यों नहीं आ रही? ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।